अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आपका खैर मकदम है। दोस्तों, एक खबर बड़ी दर्दनाक और अफसोसनाक है जो हम आज की इस वीडियो में पेश करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक मशहूर शेर आपने तो सुना ही होगा, ना खुदा ही ना मिला ना रिसा ले सनम, ना खुदा ही ना मिला ना रिसा ले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह का वाकया पेश आया है अमीनाबाद लखनऊ के रहने वाली रुकैया बानो के साथ, जिसने इस्लाम जैसे अजीम शान मज़हब को छोड़कर एक हिंदू शख्स से मोहब्बत करते हुए इस्लाम को छोड़कर शादी की थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी अब बिल्कुल अजीरन और बदतरीन और बर्बाद होते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों, पूरी खबर सुनाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, इस खबर को आप जहां तक मुमकिन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आइंदा मुस्लिम लड़कियों के इस तरह से कदम डगमगाना और इस्लाम जैसे मज़हब को छोड़ने से वो बच जाए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिए। तो दोस्तों, पूरी खबर कुछ इस तरह से है, हिंदू लड़के से शादी करने की खातिर अपना मज़हब तब्दील करने वाली लखनऊ के अमीन आबाद की रिहायशी रुकैया बानो ने 3 साल कबल यशोधन से शादी रचाई, मगर अब यशोधन ने रुकैया को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। रुकैया की हालत अब न घर की रही न घाट की। सितम यह है कि अब दोनों ही खानदान इस लड़की को ठिकाना देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि रुकैया के मुताबिक शादी के दिन ही इसके रिश्ते में दरार पैदा होना शुरू हो गई थी। दरार की वजह ससुराल वालों का रवैया था, तब्दीली मज़हब के बाद रुकैया का नाम भी तब्दील करके मुस्कान रख दिया गया। रुकैया के मुताबिक इसके ससुराल वालों ने इसके साथ गैर इंसानी सलूक किया। रुकैया की सास उसे किचन के बर्तन और घर का सामान भी नहीं छूने देती थी और कहती थी कि तुम मुसलमान हो और तुम्हारे छूने से घर की चीज़ें अशुद्ध यानी नापाक हो जाएंगी। दरअसल मुस्कान के हिंदू बन जाने पर इसके ससुराल वालों को यकीन नहीं है, वो कहते है कि ये मुसलमान ही है और मुसलमान कभी अपना मजहब तर्क नहीं कर सकते हैं। श्रीयस्तु है, हमें अपने बेटे की शादी अपने मजहब और बिरादरी में ही करनी चाहिए था। मुस्कान बनने से कबल रुकैया लखनऊ के ही एक सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में PCSJ की कोचिंग देती थी। यशोधन वहीं कोचिंग सेंटर के मालिक की मारूफियत वहां दाखिला लेने आया था और यहीं पर दोनों की पहली मुलाकात हुई। शादी करने की बात चली तो शर्त तब्दीली मज़हब तक पहुंच गई। रुकैया ने कहा कि यशोधन ने शादी के लिए इस पर दबाव बनाया और एक दिन नौबत यहां तक पहुंच गई कि इसने चाकू से अपने हाथ की नस को काट ली और व्हाट्सएप पर मेरे पास तस्वीर भेज दी। रुकैया के मुताबिक यशोधन ने धमकी दी कि अगर मुझसे शादी नहीं की मैं खुदकुशी कर लूंगा। इसके बाद मैंने शादी कर ली और अपना मजहब भी तब्दील कर लिया। दोस्तों, अब आपको बता दें, क्या मजहब तब्दील करने के लिए कोई दबाव बनाया गया था? इस सवाल के जवाब में रुकैया ने कहा कि मैंने यशोधन के कहने पर ही मजहब तब्दील किया था। यशोधन का कहना था कि अगर तुम मजहब तब्दील कर लेती हो तो मेरे खानदान के सामने मिलने में आसानी रहेंगी। मैंने भी सोचा कि जिंदगी तो ससुराल वालों के साथ ही गुजार है। मेरे खानदान के लोग तब्दीली मजहब से खुश नहीं थे और शादी करने के बाद मेरे पापा भाई और बहनों ने भी मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। रुकैया का कहना है कि मैं लगातार अपने वालिदा से बात करने की कोशिश करती रही। शादी के 6 महीने बाद मेरे वालिद को मेरे फैसले को कबूल करना पड़ा और उन्होंने तकरीब का इनेकाद किया। यशोधन को मेरे खानदान ने वही दर्जा दिया जो एक दामाद को हासिल होता है। शादी के बाद रुकैया की जिंदगी अजरन बन गई। बकौल सास कहती है कि मैं किसी ऐसी लड़की को तो अपनी बहू बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुसलमान नहीं। मुझे घर का सामान छूने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने पर भी गालियाँ दी जाती थी। मुझे सिर्फ अपने शौहर के साथ सोने की इजाज़त थी, जिस पर मैं सोचती थी कि क्या मैं कोई इस्तेमाल की चीज़ हूँ। मैं मुसलमान से हिंदू बन चुकी हूँ, फिर भी मुझे घर में हो रही पूजा में शामिल नहीं होने दिया जाता था। अगर मैं मंदिर में
बैठ जाती तो मेरी सास मुझे वहाँ से ये कहकर उठा देती कि ये नापाक हो जाएगा। मुस्कान का कहना है कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरे मायके वाले मुझे हिंदू कहते हैं और लान तान करते हैं क्योंकि मैंने एक हिंदू से शादी की है, कोई मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता है। मैंने किसी तरह अपनी माँ को राज़ी करके एक बरामदे में अपना बिस्तर लगाया और घर वालों से कहा कि मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मजबूत हो जाऊं, फिर अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगी। मुस्कान का कहना है कि जो मेरे साथ हुआ वो कानूनन जुर्म है, मेरे शौहर ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे वालिदैन कहते हैं कि मैं हिंदू हूं और ससुराल वाले कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं। मैं ये साबित करने की भी लड़ाई लड़ रही हूं कि मैं क्या हूं। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है, क्या इंसाफ का तराजू किसी का मजहब देखकर इंसाफ करता है? मुस्कान का सवाल है कि मेरे जैसा मामला अगर किसी हिंदू लड़की का होता तो क्या इस वक्त भी यही होता? अगर इसका कहना है कि चूंकि मैं मुसलमान थी और मेरा शौहर हिंदू, इसलिए पुलिस ने मेरी शिकायत को संजीदगी से नहीं लिया। इडवा नामी तंजीम लखनऊ की रुकैया उर्फ मुस्कान की इंसाफ की जंग लड़ रही है। इडिया की मधु गिरिक कहती है कि अगर मजहब में शादी करने के लिए जोड़ों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है तो इस मामले में भी वही दिक्कतें हैं। हिंदू और मुस्लिम लड़कियाँ यकसा तौर पर मोहब्बत की शादियाँ करती है मगर हुकूमत इसको लफ जिहाद का नाम देकर एक फरीक की ही बात करती है। हमारे पास दोनों मजहब की मुतासरा ख्वातीन आती है तो इस तरह से ये वाक्य दर्दनाक पेश आया है। दोस्तों, आप तमाम लोग इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आपकी सोच क्या कहती है, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।